नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे गांव का गेट। दोस्तों जो हम इसे सातों गेट कहते हैं दोस्तों इसका नाम है और यहां पर देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा डैम है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों यहां पर देख सकते हो सात गेट हैं दोस्तों, ये पूरे गेट 1 2 3 4 5 6 7 गेट हैं दोस्तों और सिर्फ ये 3 या तो 4 खुलेंगे गाइस, पूरा नहीं खुलता। पूरा खुलेगा तो पूरा गांव डूब जाएगा गाइस, तो इसलिए पूरा गेट नहीं खुलता है, 4 या तो 3 खुलता है और ज़्यादा नहीं खुलता है। अभी तो नहीं खुलेगा क्योंकि अभी धान की कटाई हो रही है, इसीलिए अभी नहीं खुलेगा और बारिश के सीज़न में खुलता है तो इतना मस्त लगता है ना गाइस। 2-3 गेट खुलेगा ना पूरा एकदम, इतना यहाँ पर आओगे ना ऐसा फील आएगा आप लोगों को तो पूछो ही मत। आप लोग एक बार ट्राई करना और आना और देखना यहाँ पर क्या सीन है। बहुत ही बढ़िया सीन है, मस्त लगता है और यहाँ पर पानी है दोस्तों, यहाँ पर नहा भी सकते हैं हम लोग। और उधर से पानी जब गिरता है ना गाइस, थोड़ा थोड़ा गिर रहा था उस टाइम, अभी तो बंद है, आज बंद है, तो वहाँ पर झरना टाइप का लगता है गाइस, झरना टाइप का आता है पानी, मस्त लगता है गाइस। अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से जाएंगे दोस्तों ऊपर और ऊपर जाके दिखाएंगे आप लोगों को नीचे का सीन क्या है। दोस्तों देख सकते हो कितना बड़ा गेट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। अभी आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर रियल में आकर देखना आप लोग गाइस कितना बड़ा लगता है यहाँ पर गेट। और अभी भी एक खुलेगा ना गाइस तो मैं कहाँ जाऊँगा मुझे खुद भी पता नहीं है। और हम लोग पहाड़ों के रास्तों से जा रहे हैं दोस्तों, पथरीले रास्ते में जा रहे हैं और मेरा दोस्त लोग उधर हैं, चले गए इधर साइड है देख सकते हो, तो चलो चलते हैं। और इधर साइड देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे पत्थर थे पीछे साइड देख सकते हो, और आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं गाइस तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर से कर देना गाइस और एक सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो जैसा है बहुत ही ख़तरनाक यहाँ पर देख सकते हो, और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना गाइस, आप लोग आना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और आप लोग नया पारा डिस्ट्रिक्ट में रहते होगे, ज़िले में रहते होगे तो आप लोग आना ज़रूर से, देखते होगे मुझे तो इस ब्लॉग को। और चलो चलते हैं ऊपर और यहाँ पर गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर और यहाँ से चढ़े हैं हम लोग दोस्तों और मेरा लिटरली सांस फूल गया। और चलो चलते हैं ऊपर और मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो गाइस ये केनाल है दोस्तों, इधर से पानी जाता है उधर और खेतों में जाता है, ये भी पानी खेतों में जाता है, छोटे मोटे गांव में जाता है ये किलान का पानी। और इधर से हम लोग जा रहे हैं ऊपर, वो फाइनली गाइस अभी हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ का व्यू देख सकते हो, यहाँ है डैम दोस्तों और ये है गेट दोस्तों, गेट का ब्रिज जो है और इधर से पानी जाता है। और ये बहुत बड़ा मशीन है दोस्तों, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ये क्या है, आज तक समझ नहीं पाया हूँ और मैं अपने दोस्तों को पूछता हूँ लेकिन उनको भी नहीं पता है तो क्या करें गाइस। और यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है और शायद ये गेट है दोस्तों जो इसको खोलने में मदद करता है गेट को, ऐसा लगता है। और चलिए चलते हैं उधर साइड दिखाते हैं। और इधर से है दोस्तों खतरनाक वाला व्यू और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस, अच्छा लग रहा है। देख सकते हो दोस्तों यह मशीन जो कि बहुत बड़े बड़े मशीन हैं और इनको बनाने में कितना खर्च आया होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हो गाइस, मुझे भी तो नहीं पता है। और देख सकते हो दोस्तों कितना ख़तरनाक है और सालों की मेहनत लगी होगी दोस्तों, कितना इंजीनियर लोग इन पे रिसर्च किए होंगे, काम किए होंगे तब जाकर ये बना है दोस्तों। बहुत बड़ा डैम है और बहुत बड़ा गेट है दोस्तों, इनके जो लगे हुए हैं ना दोस्तों लोहे जो है वो भी बहुत ही बड़े बड़े लोहे लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो और यही है बस। और इधर से बहुत ही मस्त व्यू आता है दोस्तों, और इधर है दोस्तों मधुमक्खी का छत्ता और उधर से है दोस्तों डैम, तो वहाँ पर देख सकते हो दोस्तों साइड में आ रहे हैं, कहाँ गया उधर से छोटा छोटा दिख रहा है दोस्तों, वो है डोंगा दोस्तों, नाव जिसे बोलते हैं। तो चलिए दिखाते हैं नाव आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो नाव आ रहा है दोस्तों इधर से, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, बहुत दूर हैं दोस्तों वो लोग और आ रहे हैं, देख सकते हो कितना जूम कर दिया तब जाके दिखा, यहाँ तो चीटी जितना दिख रहा है दोस्तों लेकिन जूम करते ही बहुत ही बड़ा दिख रहा है दोस्तों।
और गाइज अभी शाम हो रही है, तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।